हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं जस्ट खड़ा हूँ अपना माउंट व्यू होटल के यहाँ पे, मतलब जस्ट उसके एंट्रेंस के यहाँ पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो। जस्ट मैं थोड़ा सा रास्ता दिखाता हूँ, मैप से तो मैप लगा के आ जाएंगे इजी, मतलब परफेक्ट एड्रेस दिखाता है गूगल पे। तो यहाँ रोड से आओगे तो थोड़ा ध्यान देना, अगर रोड से आओगे तो थोड़ा ध्यान देना स्पेशली, मतलब जहाँ पे अपने को एंटर करना है लेफ्ट लेना है, क्योंकि अगर रात को आओगे शाम के टाइम पे तो दिखता नहीं है। जैसे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ अंदर जाने से पहले, यहाँ पे एंट्री पे एक शॉप है। ओके, ये नॉर्मल नॉर्मल प्रोविजनल स्टोर, जनरल स्टोर रहता है वो। 8 साढ़े 8 बजे बंद हो जाता है, 8:30 पौने 9 बजे। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो उससे पहले ले लेना। और ये रहा माउंट व्यू होटल का एंट्रेंस। एंट्री करते ही पार्किंग प्लेस है, ठीक ठाक है, इनफ प्लेस है। 10-12 गाड़ियाँ तो आराम से रह सकती है यहाँ पे। मस्त किया रात को, यहाँ पे लाइटिंग्स रहती है, जो कंदील लगा है वो ठीक है, अच्छा लगता है। ये होटल का मेन एंट्रेंस है। आगे आई थिंक कुछ अलग पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर होम स्टे ऐसे है। ये लॉबी एरिया, गेम्स है, स्नूकर है और टेबल टेनिस है, पूल टेबल अपना, स्नूकर, पूल टेबल पेड है। कुछ पर आर उनके चार्जेस है, मतलब वहाँ पे लिखा था, मैंने खेला नहीं हूँ। और यहाँ से जाओगे तो ये स्विमिंग पूल एंड फ्रंट एरिया की तरफ जाते हैं। ये रहा पूल, अच्छा खासा है, डेली क्लीनिंग करते हैं पूल की। मैं तो अंदर गया नहीं, मतलब 2 दिन हुए यहाँ पे, लेकिन ठंडी इतना है कि मैंने तो हिम्मत नहीं किया। ये बैठने के लिए जगह बनाया हुआ है, फुल टेरेस जैसा, एक्चुअली नीचे है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है, लेकिन मैं टेरेस इसके लिए बोल रहा हूँ। जो मेन मेन अट्रैक्शन या फिर मेन चीज़ है इस होटल की, जिसके लिए मैंने बुक किया था, वो वाली चीज़, और वो है ये व्यू। एक्चुअल क्लिफ पे ही है भैया, अपने नाम को पूरा जस्टिस कर रहा है माउंट व्यू। ये अपना रूम वो है ऊपर का, अब अगर देखोगे तो यहाँ से देखो, वो सामने जो दिख रहा है वो डैम है, वो डैम भी दिखता है।
मस्त है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग आओगे तो यहाँ पे मस्त लगता है, अभी थोड़ा धूप है, या फिर शाम को आओगे बैठने के लिए जगह है, यहाँ पे आप डिनर कर सकते हो। ओवरऑल मस्त प्रॉपर्टी है। मैं ऊपर जाके अभी रूम दिखाता हूँ, लेकिन सुपर सुपर प्रॉपर्टी है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगा, अच्छा लगा। यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है, तो वो थोड़ा है कि आपको खाना अगर कुछ चाहिए तो आपका इधर बाहर जाके डिनर करो, या फिर जोमेटो से ऑर्डर करो। जोमेटो से ऑर्डर आ जाता है, मतलब मैंने रात को 11 बजे तक मेरा ऑर्डर आया हुआ है, एंड अच्छे ऑप्शन भी है आसपास आपको, तो वो एक है कि आपको मिल जाता है। सुबह नाश्ता रहता है यहाँ पे, मतलब नाश्ता कुक करके देते हैं, कुछ लिमिटेड आइटम मेनूज है, जैसे कि उपमा, पोहा, ब्रेड बटर, ऑमलेट, चाय, कॉफ़ी, ये सब मिलता है, तो वो तो मिल जाएगा। 8 to 10 उनका टाइमिंग रहता है। लंच के लिए आपको, लंच या डिनर के लिए, मतलब प्रॉपर मील के लिए आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ गर्म करके चाहिए, कुछ कुछ भी ज़रूरत है तो देते हैं लाके। खाना अगर आप ऑर्डर भी करोगे तो भी आपको यहाँ से प्लेट्स, ग्लास सब कुछ मिल जाता है, मतलब प्रॉपर प्लेट्स, ये तो वो कुछ प्रॉब्लम टेंशन नहीं है। आप डिनर के लिए यहाँ पे बैठ सकते हो, लंच के लिए धूप रहता है, तो यहाँ पे मस्त है कि डिनर के लिए या फिर शाम को कॉफ़ी लेके, सही प्लेस है। अभी हम लोग ऊपर जाते हैं, इनका जो डाइनिंग एरिया है वो एक तरफ से नीचे आए थे स्विमिंग पूल की तरफ से, अभी ये सेकंड तरफ से। यहाँ पे टेबल से, मतलब अगर धूप है तो यहाँ पे अंदर बैठो और ये व्यू का मज़ा उठाओ लाइक दिस। ओके यहाँ पर भी जगह है, रिसेप्शन एरिया। अब जाते हैं अपने रूम की तरफ। ये मेरा फर्स्ट फ्लोर का रूम है, 108। खोल के देखते हैं। सो ये है अपना रूम 108। टीवी है, सोफा कम बेड है, चेयर, डाइनिंग टेबल। एक्चुअली हम लोग 4 जन थे, 2 कपल, तो इसलिए हम लोग ने ये बड़ा रूम लिया था जिसमें एक बेडरूम भी है। तो 4 जन आराम से सो सकते हैं, बाहर ये सोफा कम बेड दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो अंदर दो से इजीली हो जाता है। एंड ये माउंट व्यू रूम है, मस्त गैलरी है यहाँ पे बैठने के लिए, और यहाँ से जो मैंने नीचे से अभी व्यू दिखाया, सेम व्यू यहाँ से मैं दिख रहा है, उल्टा यहाँ से थोड़ा अच्छा दिखता है क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे। सर रूम तो सुपर है, मस्त, मतलब फुल पैसा वसूल है। बेडरूम देखते हैं, वॉशरूम,
अच्छा खासा बड़ा वॉशरूम है। क्लीन भी है। ये रहा बेडरूम, ये रहा बेडरूम। प्रॉपर फुल साइज बेड है। कबर्ड्स रखने के लिए। और बेडरूम से भी अपने को सेम व्यू है। बेडरूम तो गैलरी में ही है लेकिन विंडो से ये पूरा व्यू देख सकते हैं। ये मुझे मुझे समथिंग 8,100 में पड़ा था, 8,140 समथिंग, जिसमें 2 दिन का था। ये रूम फॉर 4 पीपल, 4 एडल्ट, 4 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड। तो अगर आप दूसरे रूम्स भी है यहाँ पे अवेलेबल, जैसे कि नॉर्मल कपल के लिए है, इससे भी एक बड़ा रूम है, एग्जीक्यूटिव रूम है, जिसमें 6 जने सो सकते हैं। मतलब सेम काइंड ऑफ है, सोफा कम बेड है, एक डबल बेड है एंड और एक बेड। तो वैसे भी ऑप्शंस है आपके लिए ग्रुप अगर आए तो, या फिर नॉर्मल कपल रूम भी ले सकते हैं। कपल रूम भी माउंटेन फेसिंग है, इवन वो जो मैं एग्जीक्यूटिव रूम बोल रहा हूँ वो भी है। कॉस्ट भी रिजनेबल है, आपको मेकमाई ट्रिप से भी सेम प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करके आते हो तो भी आपको अच्छा रेट मिलेगा, थोड़ा मेकमाई ट्रिप से अच्छा ही मिलता है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करके आया था। एंड स्टाफ अच्छा है, कोऑपरेटिव है, ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। मतलब एक रेस्टोरेंट नहीं है बट ठीक है, मतलब वो पहले से पता ही है अपने को कि रेस्टोरेंट नहीं है, तो अपने को ऑर्डर करना है या फिर बाहर जाके डिनर करके आना है। तो मैं तो इस प्रॉपर्टी को आउट ऑफ मार्क्स नहीं दूंगा। तो अगर आप आ रहे हो महाबलेश्वर एंड अगर आपको थोड़ा व्यू फेसिंग रूम्स चाहिए, होटल्स चाहिए, तो ये एंड थोड़ा शांत, क्योंकि महाबलेश्वर मार्केट में क्या पास लोगे तो बहुत गर्दी रहता है, बहुत शोर गुरु, कुछ व्यू नहीं। तो ये होटल मस्त है। टेबल व्यू पॉइंट यहाँ से 3 किलोमीटर पे है, तो वो भी एक अच्छा है। मैप्रो गार्डन आई थिंक 6 या 7 किलोमीटर पे है। तो ओवरऑल ऐसा भी नहीं कि एकदम रिमोट प्लेस पे, प्रॉपर लोकेशन। तो चलेगा, अभी हम लोग निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। घर जाने से पहले मैप्रो गार्डन करके जाएंगे, मैप्रो गार्डन एंड लेक व्यू पॉइंट, एंड देन वहाँ से घर के मुंबई के लिए निकल जाएंगे। ओके देन, अभी कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स, दैट इज़ मैप्रो गार्डन। चलो बाय।